कार हरी प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरी प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कथा सुनते हैं। आज का प्रसंग है, आज की कथा रविवार व्रत कथा, विधि नियम और महात्म। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन आते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आज की ये बहुत ही प्रेरणादायक पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथा है। आइए सुनते हैं रविवार व्रत कथा विधि विधान के साथ। हरि प्रेमियों, रविवार का जो दिन है ये सूर्य देवता की पूजा के लिए दिन माना जाता है और जीवन में सभी सुख और समृद्धि, ऐश आराम, धन संपत्ति सभी की पूर्ति करता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और शत्रु से सुरक्षा के लिए भी रविवार का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से मान सम्मान, उत्तम स्वास्थ्य और धन और यश की प्राप्ति होती है। हरि प्रेमियों, रविवार व्रत की जो पूजा विधि है वो इस प्रकार है। हरि प्रेमियों, रविवार के दिन सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए और शौच और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। सूर्य का व्रत वर्ष में या तो 30 रविवार का करना चाहिए या फिर 12 रविवारों तक करना चाहिए। उसके बाद घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य नारायण की सोने की या फिर कोई चित्र स्थापित कर ले और उसकी पूजा विधि और विधान के साथ पुष्प और धूप दीप नैवेद्य से आप पूजन करें और पूजन के बाद व्रत की कथा सुने और फिर आरती करें। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को याद करते हुए सूर्य नमः इस मंत्र का 12 माला जपे या 3 माला जपे या फिर 5 माला जपे। जप के बाद शुद्ध जल, अक्षत, लाल फूल, दुर्वा और लाल चंदन लेकर सूर्य देवता को अर्घ दे और सात्विक भोजन और फल आहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दूध, दही, घी, चीनी और दलिया खाएं। रविवार की जो व्रत कथा है वह इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, वह नियमित रूप से भगवान सूर्य नारायण के रविवार की व्रत करती थी और सुबह सुबह रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके अपने आंगन को गोबर से लिपती, साफ करती। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हुए रविवार व्रत की कथा सुनकर सूर्य भगवान जी का भोग लगाती और दिन में एक समय भोजन करती थी। भगवान सूर्य नारायण की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता और दुख नहीं था। धीरे धीरे उसके घर में धन धान्य भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते हुए देखकर उसकी एक पड़ोसन थी, वह बहुत जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के घर से उसके आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लेकर आती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को अपने भीतर घर के भीतर बांध दिया क्योंकि वह उसे बहुत जलती थी। उसके धन धान्य को देखकर कि मेरी ये पड़ोसन बुढ़िया बहुत ही समृद्ध होती जा रही है। गाय को अंदर बांधने के बाद बुढ़िया जब गोबर लेने गई रविवार के दिन अपने आंगन को लीपने के लिए तो उसको गाय का गोबर ना मिला क्योंकि गाय बाहर नहीं थी, इसलिए बुढ़िया आंगन नहीं लीप पाई
और आंगन ना लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने भगवान श्री नारायण का सूर्य नारायण का भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्योस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई क्योंकि उसका भाव बहुत ही गहरा था। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में क्या देखती है, एक बहुत ही सुंदर गाय बछड़े को देखकर वह बुढ़िया बहुत हैरान हो गई। गाय को अपने आंगन में बांध कर उसने जल्दी से गाय माता को चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई उस सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर उस गाय के गोबर को उठाकर अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां पर रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत ही धनवान हो गई। गाय हर रोज सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी। बुढ़िया के उठने से पहले ही उस पड़ोसन ने उस गाय का गोबर लेकर आती और अपने गाय का गोबर वहां पर रख जाती। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। और एक दिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा भी सुनती रही। लेकिन भगवान सूर्य नारायण को जब पड़ोसन की उस चालाकी का पता चला तो उन्होंने बहुत तेज आंधी चला दी और आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माँ ने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। सुबह जल्दी उठकर जब बुढ़िया माँ ने गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, वह बहुत हैरान हो गई। उस दिन के बाद बुढ़िया ने गाय को कभी अपने आंगन में नहीं बांधा और अपने घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया थोड़े ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनवान होने से वह पड़ोसन और भी बुरी तरह जल भून कर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझा कर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। हरी प्रेमियों, सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुए और सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर भगवान सूर्य नारायण को भूखी प्यासी बुढ़िया इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन बुढ़िया की गाय वह और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर बहुत ही विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान सूर्य नारायण के स्वप्न से बुरी तरह राजा भयभीत हो गया और सुबह उठते ही पहले उस बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया गया। राजा ने बुढ़िया माँ को बहुत सा धन देकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए बहुत कड़ा दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत जरूर किया करो। रविवार का व्रत करने से सब लोगों के घर धन धान्य से भर गए और पूरी प्रजा खुशहाल हो गई। स्त्री और पुरुष सुखी जीवन बिताने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। हरि प्रेमियों, रविवार की ये व्रत कथा आपको कैसी लगी? अगर आप भी धन और धान्य सुख समृद्धि अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ ये चाहते हैं, अपने मन की इच्छा पूर्ण करवाना चाहते हैं तो रविवार का व्रत जरूर किया कीजिए। हरी प्रेमियों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हरी प्रेमियों, आपके कमेंट का